Bapu Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary is a important reminder of something called Swasthagraha that NDTV is running. It's a part of the Banega Swasth India program, the Swachh Bharat program. I think it draws our attention to a very simple thing that Bapu said. The earth provides enough to satisfy every man's need, but not enough to satisfy every man's greed. I think this statement highlights the fact that hamara swasth, hamari jo well-being hai, hamari pragati, har cheez, agar hum personal level ke baare mein bhi soche, to wo environment paryavaran se juda hua hai. हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे. सिंगल यूज़ प्लास्टिक ने हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित किया हुआ है. हम सब जानते हैं, आप तो हमारे बीच क्लीन अप के यू नो मूवमेंट्स के हिस्सा बने हैं. हमारी एयर पोल्यूशन की जितनी भी हमने मूवमेंट्स की हैं उसके बारे में बात करने के लिए आप उसके भी हिस्सा बने हैं. और आप अब तक तो ये जान चुके हैं कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से जो पर्यावरण पे बहुत बुरी तरह से प्रदूषण फैला जा रहा है और उस प्रदूषण के वजह से कैसे हमारे बच्चे बड़े बुज़ुर्ग और हम सब बीमार हो रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए हम सबको तीन चीज़ें करनी होगी. एक, जो अपने खुद का व्यवहार है वो बदलना पड़ेगा प्लास्टिक की ओर. तो ये जो कल्चर ऑफ यूज़ एंड थ्रो है, बिना सोचे हम कुछ भी खाते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो कम करना पड़ेगा उस कंजम्पशन को. और ये इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि ये कौन से आइटम्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो हम पूरी तरह से उपयोग करना बंद कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक कटलरी, कप्स, स्पून्स, प्लेट्स. और तीसरा आइटम है प्लास्टिक बॉटल्स. हम खुद का बॉटल लेके घर से निकल सकते हैं, जैसे मैं खुद निकलती हूँ. हम खुद के घर से अपने कपड़े की थैली या बैम्बू की थैली लेकर निकल सकते हैं. हम सबके पास आजकल बैकपैक्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, उसमें बड़े आसानी से हम एक कपड़े का बैग मोड़ के रख सकते हैं और दुकानदार से कह सकते हैं कि हमको प्लास्टिक की थैली मत दो. तीसरा आइटम बहुत आसानी से जो हम ना कर सकते हैं वो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ. अपना ड्रिंक ऑर्डर करने से पहले आप प्लीज़ सर्वर से कह दीजिए कि प्लीज़ हमें प्लास्टिक का स्ट्रॉ ना दे. वो देने के बाद आप कचरे में डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको ऑर्डर करने से पहले बोलना पड़ेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में बदल सकते हैं. लेकिन दो और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. जो कंपनीज़ हमारे खाने और पीने के सामान को प्लास्टिक में पैकेज करते हैं, आप उनसे डिमांड कीजिए कि वो उस कचरे के लिए रिस्पॉन्सिबल बने. लाइक इंदौर, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका लागू होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है. तीसरा कदम जो हम ले सकते हैं जिससे बहुत बहुत बदलाव आ सकता है वो ये है कि प्लास्टिक को आप सर्कुलर इकोनॉमी में लाइए. उसका सेग्रीगेशन, उसका कलेक्शन कीजिए, उसका सेग्रीगेशन कीजिए. उस सेग्रीगेटेड और कलेक्टेड प्लास्टिक को फिर आप बेसिकली मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ वेल, और उसमें पैसा भी है. तो ये अगर हम कर पाएँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनोवेशन. जो अल्टरनेटिव्स हैं प्लास्टिक के उनको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, लोगों को उनका उसके तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए. और जो कंपनीज़ हैं लार्ज स्केल कंज्यूमर कंपनीज़ जो हमारे कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स, ये मोस्टली प्लास्टिक से ही बनती हैं. क्या होता है इनका जब हम कचरे में डालते हैं? इनको जला दिया जाता है. उसको जलाने से क्या होता है? हवा प्रदूषित होती है, पानी प्रदूषित होता है, हम बीमार होते हैं. तो अगर ये जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम सब मिलकर उनसे ये डिमांड करें कि आप जब 100% बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, तो आप क्यों प्लास्टिक्स के साथ ये प्रोडक्ट बनाते हैं? आप इसको डिसकंटिन्यू कीजिए. तो आई थिंक अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे समाज का हिस्सा बने जो प्लास्टिक के प्रदूषण से बचे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको करना बहुत ज़रूरी है. ओके, लास्टली मैम, बहुत सारे अवेयरनेस के बाद अब चेंजेस दिख रहे हैं. देखा इंदौर में आपने देखा, और बहुत सारे जगह बहुत सारे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बहुत कम जगहों में आए हैं. और ऐसी जगहों में आए हैं जहाँ पे एक गठबंधन बना है गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपल का,
और जहाँ पर ये हुआ है बहुत बदलाव आया है। इंदौर ने 3 साल या 4 साल लगातार स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है, मुंबई भी जीत सकता है, हर हमारे देश के हर शहर में ये हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब लोगों का मकसद जुड़ेगा। थैंक यू। It's a beautiful initiative. In fact, I get the privilege to become a part of this initiative almost every year. I come on Gandhi Jayanti. And Gandhi Jayanti पर इससे बेहतर चीज़ क्या कर सकते हैं हम? And ये बहुत दुख की बात है कि actually हमें initiative लेना पड़ रहा है, because स्वच्छता basic है और वो हम सबको हम सबकी responsibility है. So I hope कि इस initiative से ज़्यादा लोगों पर असर पड़ेगा. ओके, आज बहुत जन ने pledge भी लिया है कि कुछ ना कुछ pledge लिया है कि हम plastic भी use करना बंद करें, ऐसा strong gloves पहनो. आपने कुछ ऐसा आज प्लेज लिया है यहाँ पर? आई थिंक या डेफिनेटली ओकेजन का तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए प्लेज लेने के लिए, बट मैं हमेशा से कुछ ना कुछ प्लेज लेती हूँ। इनफैक्ट इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ स्वच्छता की, तो रोज़ नई नई बातें पता चलती हैं, हाइजीन के नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं। सो प्लास्टिक तो हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा हानिकारक है, एंड स्पेशली आजकल जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, डेफिनेटली हम भगवान की भक्ति के लिए उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए मनाते हैं, लेकिन अगर हम फेस्टिवल्स मनाते वक्त भगवान की सृष्टि का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका डेफिनेटली मैं ध्यान रखना चाहूँगी। गांधी जयंती के अवसर पर एक ऐसा कोई चीज़ जो उनका आपने अडैप्ट किया है इन लाइफ गांधी जी? एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा किस्सा सुना था कि एक लेडी उनके पास आई थी अपने बेटे की सिगरेट छुड़वाने के लिए, और उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम एक महीने बाद मेरे पास आना, एंड देन ही सेड कि जब वो एक महीने बाद आई लेडी, तब उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे बेटे को कहूँगा छोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा आपने एक महीने का वक्त क्यों लिया? तो उन्होंने कहा जो आदत मैं खुद में मिटा नहीं पा रहा हूँ उसके लिए मैं किसी और को सलाह कैसे दे सकता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अपॉन अ चेंज, फर्स्ट ब्रिंग इट इन योरसेल्फ एंड देन यू कैन इजीली चेंज द वर्ल्ड। आई थिंक 15 दिन में एक नया गाना आने वाला है, रियली एक्साइटेड। अभी एक मुलाकात की सक्सेस ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा लाइनअप है इस साल का, आई होप आप सबको गाने पसंद आए आने वाले। फर्स्टली यू नो गांधी जयंती की पूरे देश को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सच अ बिग डे फॉर आर नेशन। दूसरा, अगर आप पूछें कि ये जो स्वच्छ इंडिया कैंपेन है और हम स्वच्छता की, स्वस्थता की, सब चीज़ों की एक साथ जो बात करते हैं, आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव अ वॉइस, इफ़ यू हैव अ मीडियम, इफ़ यू हैव द नॉलेज, प्लीज़ कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज द परसेंटेजेस ऑफ पीपल इन आर कंट्री हु एक्चुअली हैव द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो हाइजीन की बात हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे वो माँ और बच्चे की बात हो, द नंबर्स आर वेरी वेरी स्कैरी, एंड आई फील लाइक कैंपेन्स लाइक दिस रियली कम आउट एंड हेल्प अस लेंड अ वॉइस एंड मेक अ डिफरेंस। जैसे हम वहाँ स्टेज पर थे, साथ साथ में बहुत सारी यू नो डोनेशंस हो रही थी, बहुत सारी प्लेजेस लिए जा रहे थे, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, लॉट्स ऑफ मिनिस्टर्स, लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव कम फॉरवर्ड एंड स्पोकन अबाउट देयर प्लान्स, एंड इट्स रियली वंडरफुल दैट एनडीटीवी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। आज बहुत से जो भी आए हैं उन्होंने कोई ना कोई प्लेज लिया, तो आज आप कोई प्लेज लेना चाहिए कि किसी ने प्लेज किया कि स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ नहीं करेंगे, बॉटल यूज़ नहीं करेंगे, आपको एक प्लेज लेना चाहिए आज? मैंने एक्चुअली लिया है, आईव यू नो एवर सिंस आई बिकेम अ मॉम, एंड क्योंकि आई वेंट थ्रू इट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड माई वेरी ओन कैंपेन कॉल्ड फ्रीडम टू फीड, इट इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। और जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें और स्वस्थता की बात करें, तो इट्स गॉट एवरी थिंग टू डू विद द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। द फर्स्ट 6 months और द अर्ली ईयर्स एज फार एज द चाइल्ड्स न्यूट्रिशन आर कंसर्न, इट्स गॉट एवरी थिंग टू डू विद ब्रेस्ट फीडिंग, एंड आई टुक दिस प्लेज अ रियली रियली लॉन्ग टाइम अगो, एंड आई प्रॉमिस टू टेक दिस फॉरवर्ड, वेदर इट इज़ थ्रू कॉर्पोरेट्स एंड मेकिंग द राइट स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मदर्स टू फीड देयर चाइल्ड, या फिर ठीक तरह का न्यूट्रिशन, चाहे वो माँ के लिए हो इन अर्ली ईयर्स, इन अर्ली डेज ऑफ अ प्रेगनेंसी, हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस कॉज को सपोर्ट करने की प्लेज काफ़ी देर पहले ली चुकी है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू कम एंड सपोर्ट मी। गांधी जयंती, तो ऐसी कोई चीज़ जो गांधी जी की आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की हो? आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव, इट्स नॉन वायलेंस एंड वी ऑल हैव इम्प्लीमेंटेड दैट, एंड आई थिंक दैट That's how it should be taken forward. Thank you. Thank you. Thank you.
स्वस्थ बनेगा भारत टुडे एंड या आई थिंक स्वस्थता और स्वच्छता सब इंटरलिंक्ड है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट NDTV इज़ डूइंग दिस इनिशिएटिव. आई थिंक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्लेनलीनेस अगर होगी, स्वच्छ होगा, हमारे टॉयलेट्स क्लीन होंगे, ओपन डेफिकेशन नहीं होगा, तभी आई थिंक वील ऑल स्टे हेल्दी एंड रिमेन हेल्दी. न्यूट्रिशनल चीज़ें खाना, न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन को कैसे फाइट करना है, व्हेन अ मदर इज़ एक्सपेक्टिंग एंड यू नो इज़ अबाउट टू डिलीवर, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखना. आई थिंक 1/3 ऑफ द मैल नरिश्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज समवेयर इन इंडिया एंड इट्स अ बिग टॉपिक. I feel I'm very, very happy that NDTV had me here to talk about it, to discuss this whole thing. You know, from basic sanitation, hand washing kitna important hai, to what we're eating, if we're eating right, to just keeping our environment clean. And today is the best day to sort of talk about it. और आज जो क्या गया है यहाँ पर, कोई ना कोई एक प्लेज दिया है या तो कोई स्ट्रॉ नहीं दिएगा आज के बाद से, या प्लास्टिक के बॉटल में कभी पानी नहीं देंगे. आज आपने क्या कोई प्लेज? मेरे घर पे प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं है, मेरे घर पे सिर्फ कांच की या पीतल की बॉटल है. माई स्ट्रॉ इज़ ऑल्सो मेटेलिक, यू नो इफ यू सी, एंड आई कीप अ डस्टबिन इन माई कार. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार हम उस टाइम पे समझ नहीं आता है कहाँ फेंके और हम बाहर फेंक देते हैं. ये बहुत बुरी आदत है. इनफैक्ट आई स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग दैट ऑल्सो. हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, टेलिंग पीपल टू डू द सेम, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या आई थिंक जस्ट कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन, एवरीबडी इफ दे डू देयर बिट तो वो भी काफ़ी होगा. प्लास्टिक तो खैर, मतलब आई फील जुहू बीच को भी देख कर अंदर से लगता है कि क्यों कर रहे हैं हम रहते हैं यहाँ पर, हम अपनी जगह के साथ, अपनी धरती के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. एंड दैट समथिंग दैट डेस्परेटली नीड्स टू स्टॉप. क्योंकि गांधी जयंती के मौके पर ऐसी कोई गांधी जी की कोई बात है जो आपने अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट की हो, ऐसी कोई? आई थिंक बड़ों की रिस्पेक्ट करना एंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना इज समथिंग दैट मुझे याद है. मैं बचपन में माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी की जो बुक है वो हमारे सिलेबस में लगी थी और मैंने पढ़ी थी. और मुझे याद है कि मैं तब जब मैंने पढ़ी थी मैं इंस्टेंटली रोज़ जाकर अपनी मॉम के पाँव दबाती थी और मेरी मॉम को बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जो चेंज आया है. बट ट्रूली आई थिंक रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स एंड रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम एज यू आर ग्रोइंग ओल्ड सो आर दे, यू नो, एंड कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, lastly, also congratulations, the trailer of Houseful 4 is getting a huge response from the audience. Yes, so yes. What kind of appreciation have you got until now? बहुत, एक तो सबसे पहले बहुत अलग हाउसफुल है ये, तो वो लोगों को पसंद आ रही है जो दो टाइम्स हैं, उस उन दो टाइम्स का ह्यूमर, 1419 और 2019 का ह्यूमर वो पसंद आ रहा है. एंड हाउसफुल इज़ ऑल अबाउट मैडनेस. आई थिंक आज के लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, और ऐसी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. And I have had a blast shooting this film. I'm hoping that people also enjoy it in the theaters this Diwali, 25th October. Thank you. जमशेदपुर के बनते होते हैं.